फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सैंडविच और बहुत ही पसंद आने वाला, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाला सैंडविच है। और ये बहुत ही फेमस सैंडविच है, ये अहमदाबाद का बहुत ही फेमस सैंडविच है और इसका नाम है घुंघरा सैंडविच। ये घुंघरा सैंडविच अहमदाबाद का फेमस है और एक जगह है अहमदाबाद में माणिक चौक, वहाँ का ये फेमस है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताया करिए, और भी कौन सी वीडियो आपको देखना चाहते हैं वो भी बताया करें कमेंट बॉक्स में। और तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने इस घुंघरा सैंडविच को बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें पुष्पलता किचन। घुंघरा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें चटनी बनानी पड़ेगी। चटनी के लिए मैंने यहाँ धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्च और नमक डाला है और इसको हम एक जार में ले लेंगे और इसका हमें चटनी बनाना है। और नारियल आप बुरादा ले सकते हैं या खड़ा हो भी ले सकते हैं। तो चलिए हम चटनी बना लेते हैं। तो मैं चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी एक बार और पीसूँगी क्योंकि अच्छे से नहीं पीसी है। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिया है, मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं पर हेल्दी ब्राउन ब्रेड होता है। ये मैंने बटर और चटनी यहाँ पे लिया है। ये मैंने चीज़ को ग्रेट करके ले लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑनियन को यहाँ पे चॉप कर लिया है, कैप्सिकम को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए अब बनाते हैं सैंडविच को। तो यहाँ पहले सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हम मक्खन लगाएँगे। तो आप ऑप्शनल है, पहले लगाएं बटर या ना लगाएं, तो आपकी चॉइस है ये। तो यहाँ पे मैं पहले बटर लगा लेती हूँ तो उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड पे बटर लगा लिया है। तो अब हम जो चटनी बना के रखे थे वो चटनी लगाएंगे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम चटनी लगा लेंगे। उसके बाद इसके जो कैप्सिकम हमने ग्रेट करके लिया है उसको हम रख लेंगे इसके ऊपर, जिससे कि बहुत ही टेस्टी और ये हेल्दी भी होता है। जो कैप्सिकम होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, हमें खाना चाहिए। ऊपर से हम डालेंगे चाट मसाला और स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाल देंगे। चिली फ्लेक्स ऊपर से डालेंगे और बच्चे अगर खाने वाले हैं तो उनमें आप अवॉइड कर दें। और यहाँ पर जो ग्रेट करके चीज़ लिया था वो हम ऊपर से डाल देंगे और ये हमारा तैयार हो गया है। अब ऊपर से हम रख देंगे दूसरा ब्रेड और जो मक्खन का साइड है वो ऊपर रखेंगे और फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले ब्रेड पे किया था। तो वैसे ही चटनी लगाएंगे और सारी चीज़ें डालेंगे, सेम प्रोसेस से हमें करना है। तो यहाँ पे मैं तीन ब्रेड का बनाऊंगी और दो ब्रेड का बनाऊंगी, आप चाहे, क्योंकि दो तीन ब्रेड का बनाएंगे तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने डाल दिया है वापस से, ये मैंने डाल दिया साल्ट और चाट मसाला, ऊपर से चीज़, ऊपर से फिर मैं डाल दूँगी ये जो हमने ये बटर लगा के रखा है वो ब्रेड। तो फिर यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। तो ये हमारा एक सैंडविच रेडी हो गया है। तो चलिए एक और मैं बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दो ब्रेड का यूज करूँगी, आप चाहे तो दो ब्रेड का भी कर सकते हैं, एक ब्रेड का भी कर सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस से हमें करना है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑनियन डाल दिया और ये जो चाट मसाला नमक लिया था वो डाल दिया। तो इस तरह से करके हमने पूरा डाल दिया है और ऊपर से चीज़ डाल देंगे और फिर ब्रेड रख देंगे। तो अभी सैंडविच इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे और ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको हम जो है टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, तवा के ऊपर मैंने इसको बटर डाल दिया है और इसको मैं बटर में ही हमें करना है तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। फिर हम जो सैंडविच सेट करके रखे हैं उसको रख देंगे और दोनों साइड से हमें इसको क्रिस्पी कर लेना है। आप चाहें तो जो गैस का सैंडविच मेकर आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसको उसमें भी आप अच्छे से बना सकते हैं और तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
तो फिर यहाँ पे हम दोनों साइड से इसको, इधर भी मैंने बटर थोड़ा लगा दिया है, और फिर मैं धीरे से इसको पलट लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करेंगे, और एक कवर करने से क्या होगा कि जो चीज़ हमने डाला है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, तो इसलिए हमें यहाँ पे कवर कर देना, और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा जो हमने सैंडविच बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब हम इसको कवर जो किया है उसे हटा देंगे और इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमें आसानी से आराम से हमें इस तरह से पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी है। दोनों साइड से पलट लेंगे और फिर इसको बटर दोनों तरफ से लगा देंगे और इसको भी पलट लेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको फिर से कवर करेंगे ताकि एक बार फिर से ये दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो अभी हमने इसको फिर से थोड़ा बटर डालेंगे, और बटर डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके फिर 1-2 मिनट हम इसको इसी तरह से क्रिस्पी होने देंगे, और जो हमारी चीज़ डाली है वो भी साथ में इससे मेल्ट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है और वापस से मैंने उठाया है, और अब आपको मैं दिखाती हूँ। दोनों साइड से एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हो गया है सैंडविच। और आपको कैसा पसंद है, ज़्यादा क्रिस्पी या कम क्रिस्पी, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो मेरा सैंडविच रेडी हो गया है, तो मैं अब कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ, कट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो आपको ये सैंडविच को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस सैंडविच को आप कभी भी बना के खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं, और ये सैंडविच बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी और न्यू इनोवेटिव और रेसिपी देखने के लिए तो आप भी बनाइए और खाइए और बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।